स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। गज़लों को आप श्रोताओं के करीब लाने में जगजीत सिंह का बड़ा योगदान है, लेकिन दुर्भाग्य से गज़ल सम्राट कहे जाने वाले इस महान गायक का निधन 11 साल पहले आज ही के दिन 10 अक्टूबर 2011 को हो गया। जगजीत सिंह की ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही है, आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ अहम बातें। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा, त्रिंदास हिस्ट्री में आपका स्वागत है। अपनी आवाज़ के बल पर आज भी जगजीत सिंह अपने श्रोताओं के बीच जीवित हैं। उनकी मखमली आवाज़ में ऐसा जादू है कि आज भी लोग घंटों बैठकर उनकी गज़लें सुनते हैं। गज़ल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जगजीत सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के जलंधर स्टेशन के लिए गाना गाकर अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला फिल्म गीत रमन कुमार निर्देशित प्रेम गीत फिल्म में गाया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जगजीत सिंह के शुरुआती दिन काफ़ी संघर्ष भरे रहे। विज्ञापन के लिए जिंगल गाते और प्राइवेट महफिलों में भी गाने जाते थे। एक जिंगल गाने के दौरान ही जगजीत सिंह की मुलाकात चित्रा सिंह से हुई थी। यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की शादी महज 30 रुपये में हो गई थी। फिल्मों में तो जगजीत सिंह की गज़लें ने धमाल मचाया ही, लेकिन उनकी दूसरी गज़लें भी काफ़ी पॉपुलर रही। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, तेरे आने की जब खबर महके, जैसी बहुत सी गज़लें आज भी सुनी जा रही है। आगे की जानकारी छोटे से ब्रेक के बाद। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। साल 1976 में जगजीत सिंह और चित्रा का एक एल्बम द अनफॉरगेटेबल रिलीज हुआ। इसे काफ़ी सराहा गया। इस एल्बम ने दोनों को स्टार बना दिया। एल्बम की एक नज़्म बात निकलेगी काफ़ी पसंद की गई। प्राइवेट एल्बम के साथ साथ जगजीत सिंह ने फिल्म में कई गज़लें गाएं, उनमें प्रेम गीत, अर्थ, जिस्म, तुम बिन जैसे फिल्म प्रमुख हैं। जगजीत सिंह को सन 2003 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तीरंदाज इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ऐसे ही आपके काम की, ज्ञान की और रोचक खबरों के लिए तीरंदाज.com से जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल तीरंदाज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज तीरंदाज को फॉलो कीजिए। इन सभी के लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।